वेलकम बैक। आई थिंक ऐसा अच्छा लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा। इन योर 4.5 आवर्स वी हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स। नाउ कम्स चैप्टर 4। चैप्टर 3 का नाम क्या था फ्रेंड्स? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। हमने ये देखा इन बीसीजी मैट्रिक कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे डाइवेस्ट करना है। अब वो जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उस इन्वेस्टमेंट के तरीके क्या क्या हैं, डाइवेस्टमेंट करना है तो कैसे करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो जो काम आपको करना है उसकी प्लानिंग। द नेम ऑफ चैप्टर इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब फ्रेंड्स स्टार्टिंग में आपको दे रखा है व्हाट इज स्ट्रेटेजी, वॉट इज कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड वॉट डज कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एनश्योर। ये तीनों पोर्शन हम लोग चैप्टर 2 में कवर कर चुके हैं। स्ट्रेटजी क्या होती है? कॉम्पिटेटिव मूव्स मैनेजर लगाता है, क्यों? टू प्लीज द कस्टमर, अट्रैक्टिवनेस हुई। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी ग्रोथ डिजाइन। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एनश्योर क्या करता है? राइट फिट बिटवीन फर्म एंड इट्स एनवायरमेंट, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, एक्सटर्नल एनवायरमेंट की थ्रेट्स वगैरह को बियर करना। अब सर अगर क्वेश्चन आ जाता है There is a bit change in language in chapter 2 and chapter 4. ये कैसे आइडेंटिफाई हो कि सर एग्जाम में कौन सा लिखना है? देखो फ्रेंड्स, वर्ड टू वर्ड तो आपको वैसे भी याद नहीं है कि चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था, 4 में क्या पढ़ा था। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है रिलेटेड टू स्ट्रेटजी, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, व्हाट डज स्ट्रेटजी एनश्योर, आई सजेस्ट जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था वो लिखना, क्योंकि चैप्टर 4 में ICAI के पास बहुत दूसरी चीजें हैं पूछने के लिए। तो हम बेफालतू में टाइम वेस्ट ना करते हुए जो काम का पोर्शन है सुधा उस पर हिट करते हैं। योर टॉपिक नंबर 4 क्या है? टॉपिक नंबर 4 स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी। क्या है? स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी। देखो इसका मतलब क्या हो गया, हमने पढ़ा था चैप्टर 1 के अंदर द एनवायरमेंट इज डायनामिक, आज कुछ और कल कुछ और परसों कुछ और, तो जो हमारी स्ट्रेटजी होगी वो कौन से एनवायरमेंट में वर्क करेगी? अनसर्टेन। देखो स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी रेफर्स टू द अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर एनवायरमेंट अजम्पशंस एटसेट्रा डेट अफेक्ट द स्ट्रेटजी ऑफ द फर्म। द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मे बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय द अनसर्टेनिटीज। अब इन अनसर्टेनिटी से कॉप अप कैसे करें, हमको क्या सीखना है, हाउ टू डील विथ स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी। देखो स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी से डील करने के हमारे पास टोटल 3 तरीके हैं। क्या बोला? स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी से डील करने के हमारे पास टोटल 3 तरीके हैं। वी हैव 3 वेज टू डील विद स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी। फर्स्ट वन आता है क्लस्टर्स, और यू कैन राइट मेक। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप। अब वी हैव डिफरेंट फैक्टर्स इन अवर एनवायरमेंट, वो डिफरेंट एरियाज को इफेक्ट कर रहे हैं, तो सर कैसे मैनेज कर रहे हैं इनको? हमने क्या करा, मल्टीपल क्लस्टर और ग्रुप बना लिए, यू कैन से फॉर अंडरस्टैंडिंग फिनेंशियल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, और फिर उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करी कि पहले कौन से फैक्टर को हमको डील करना है। जो हमको इमीडिएटली इफेक्ट करेगा उसको हम क्या करेंगे, पहले ट्रीट करेंगे। तो देखो आपको क्या बोला, स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटीज आर ग्रुप इंटू लॉजिकल ग्रुप कॉल्ड क्लस्टर्स एंड थीम्स एंड आर असेस्ड बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच क्लस्टर। अब जो हर एक ग्रुप है वो कितना इम्पोर्टेंट है उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करी, उसकी इम्पोर्टेंस डिसाइड करी, और फिर क्या करा, उसका कैसे ट्रीट करना है। बट सर ये जो तरीका निकाला आपने ग्रुप बनाने का, क्लस्टर बनाने का, इट इज बेस्ड ऑन पास्ट
हिस्टोरिकल है, समटाइम फ्यूचर क्या होता है, सॉरी समटाइम अनसर्टेनिटी फ्यूचर के अंदर होगी, अनसर्टेन फ्यूचर के अंदर ही होगी, समटाइम इट विल बी डिपेंड ऑन फ्यूचर इवेंट्स। तो क्या करें, एक काम करो सर, आप क्या करो, सिनेरियो सिनेरियो एनालिसिस कर लो। सर ये सिनेरियो एनालिसिस क्या होता है, आपने पढ़ा है ये, फॉर अंडरस्टैंडिंग यू कैन टेक इट लाइक योर फ्लेक्सिबल बजट, कॉस्टिंग में पढ़ा है फ्लेक्सिबल बजट। क्या होता है फ्लेक्सिबल बजट, सर 70% एफिशिएंसी पे काम करा तो प्रॉफिट कितना, 80% पे काम करते हैं तो कितना प्रॉफिट आएगा, 90% पे काम करते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा। ये आपको 80% सेल होता है तो इतना प्रॉफिट, 90% होता है इतना प्रॉफिट, 70% होता है इतना प्रॉफिट। तो हमने क्या करे, वेरियस सिनेरियो बनाए। अब सर फ्यूचर में क्या होगा हमको पता नहीं, तो हमने क्या करे, वेरियस सिनेरियो बना लिए कि अगर 70% गुड सेल होता है तो इतना प्रॉफिट होगा, 80% होता है तो इतना प्रॉफिट होगा, 90% होता है तो इतना होगा। तो क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, हमको नहीं पता क्या होगा, तो हमने वेरियस सिनेरियो बना के देख लिया, तो क्या बोला उसको, सिनेरियो एनालिसिस। तीसरा देखो क्या बोला, फ्लेक्सिबिलिटी इन स्ट्रेटेजी एंड ऑर्गेनाइजेशन। सर आप क्या करो, आपकी जो स्ट्रेटेजी है और ऑर्गेनाइजेशन है उसी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ जाओ। तो इफ यू नीड टू चेंज योर स्ट्रेटेजी, उसको क्या कर सकते हैं, इजिली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वाला क्लियर, क्या बना लो, क्लस्टर्स। सेकंड देखो क्या आया, सिनेरियो एनालिसिस। समटाइम्स द स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फ्यूचर ट्रेंड एज इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड एडिशनल एनालिसिस डज नॉट रिड्यूस द अनसर्टेनिटी हेंस सिनेरियो एनालिसिस कैन बी एम्प्लॉयड। क्या जो इन्फॉर्मेशन आई उससे अनसर्टेनिटी कम तो नहीं होने वाली, हमने क्या करा, सिनेरियो एनालिसिस लगाया। सिनेरियो एनालिसिस बेसिकली एक्सेप्ट्स द अनसर्टेनिटी एज गिवन, लाइक हमको क्या लगता है 70% हो सकता है, 80% हो सकता है, 90% हो सकता है, अनसर्टेनिटी हमने क्या मान लिया कि 70% हो गया, 80% हो गया, 90% हो गया। तो जो आपको अनसर्टेनिटी लग रहा है उसको हमने क्या मान लिया कि वो एक्चुअल हो गया, तो उस केस के अंदर कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा। एंड यूजेस इट टू ड्राइव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस हैपनिंग्स एंड अल्टरनेटिव्स। तीसरा क्या आ सकता है, अनदर वे टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल एंड स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी, सो द एनवायरमेंटल अदर फैक्टर्स चेंजेस स्ट्रेटेजी कैन ऑल्सो बी चेंज्ड। क्या बोला, फ्लेक्सिबिलिटी इन स्ट्रेटेजी एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो व्हाट आर द वेज टू डील विद स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी, मेक क्लस्टर्स, देन क्या करो उसको प्रायोरिटी दी इंपोर्टेंस के हिसाब से, देन सिनेरियो एनालिसिस, क्या करा जो अनसर्टेनिटी उसको मान लिया कि ऐसा हो जाएगा तो उस केस में क्या क्या हो सकता है, तीसरा क्या लिखा है, फ्लेक्सिबिलिटी इन स्ट्रेटेजी एंड ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स यह वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही नहीं बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी पीएम में है, और देखो तीन पॉइंट है, तीन नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट आर द वेरियस वेज टू डील विद स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी, ये ऐसे क्वेश्चन ही तकलीफ देते हैं। फिर स्टूडेंट बोलते हैं कि सर पेपर कहां से उठ के आया, ऐसे इतना टफ नहीं है, हमको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहां से उठ के आया, उसका आंसर किस तरह से ड्राफ्ट करना है, नहीं है तो खुद सोचो, एनवायरमेंट एकदम अनसर्टेन है तो उसे डील कैसे करूं। सर वी हैव मल्टीपल फैक्टर्स, तो क्या करें, हमको ग्रुप कर लिया कि इकोनॉमिकल फाइनेंशियल टेक्निकल, फिर जो ग्रुप हमको लगता है कि सर वो ज्यादा अभी खतरनाक है पहले उसको डील करेंगे, क्या दिया उनको, इंपोर्टेंस असाइन करा। दूसरा क्या देखा, सर देखो मार्केट में ना कल क्या होगा पता नहीं, 70% गुड सेल भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है, हमने क्या सोचा, एक काम करते हैं, मान लो 70% ही सेल होता है तो हम प्रॉफिट में होंगे नुकसान में होंगे, हम सेकंड क्या लेके आ गए, सिनेरियो एनालिसिस। 80% ही सेल होता है तो प्रॉफिट में रहेंगे नुकसान में रहेंगे,
90 ही सेल होता है तो प्रॉफिट में रहेंगे नुकसान में रहेंगे। तीसरा क्या लेके आ गए, फ्लेक्सिबिलिटी इन स्ट्रेटजी एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि क्या करा हमने जो हमारी स्ट्रेटजी है और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसी में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ गए। तो मान लो अगर हमको स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ता है ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंट, तो हम लोग क्या कर सकें उसको इजीली एम्प्लॉय कर सकें, इजीली इंप्लीमेंट कर सकें। यहां तक फंडा क्लियर पक्का? देन फ्रेंड्स नेक्स्ट आ रहा है द स्टेजेस ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। फ्रेंड फॉर्मुलेशन थोड़ा बहुत हमने कहां देखा था अभी चैप्टर 2 के अंदर, इंप्लीमेंटेशन पूरा कहां कवर हो रहा है चैप्टर 6 के अंदर, और ये वाला पोर्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो क्या बोलना है, डेवलप अ स्ट्रेटेजिक विजन, सीधे डायग्राम, डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन, सेकंड सेटिंग ऑब्जेक्टिव, फिर क्या करेंगे स्ट्रेटेजी क्राफ्ट करेंगे टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स एंड विजन, इंप्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रेटेजी, और लास्ट कौन सा आ गया, मॉनिटर डेवलपमेंट एंड इनिशिएटिंग करेक्टिव एडजस्टमेंट। क्लियर फ्रेंड्स? यहां पर जो दे रखा है वो ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में पूरा कवर कर चुके हैं, तो ये वाला पोर्शन मैं स्किप कर रहा हूं, योर टॉपिक नंबर 6, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम पूरा कवर कर चुके हैं। प्लान इंग्लिश टाइप है, देखो कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला क्या आ गया, डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन, विजन क्या होता है फ्यूचर ओरिएंटेड। सेकंड ऑब्जेक्टिव, इसमें तो क्या आ गया बैलेंस स्कोर कार्ड हम लोग कर चुके हैं, वी नीड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। देखो कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, इसको देखो अ कंपनीज स्ट्रेटेजिक इंटेंट, इंटेंट को वर्ड लो समझने के लिए इंटेंशन, तो अ कंपनीज स्ट्रेटेजिक इंटेंट कैन एंटेल बिकमिंग द डोमिनेंट कंपनी इन द इंडस्ट्री। मतलब कंपनी की स्ट्रेटेजिक इंटेंट ऐसा हो सकता है कि उसको उस इंडस्ट्री में डोमिनेंट कंपनी बनना है, कि सर हमसे बड़ी कंपनी कोई नहीं, या हम जो करेंगे इंडस्ट्री में वही होगा। एम्बिशियस कंपनीज ऑलमोस्ट इनवेरिएबली बिगेन विथ स्ट्रेटेजिक इंटेंट दैट आर आउट ऑफ प्रपोर्शन टू देयर इमीडिएट कैपेबिलिटीज एंड मार्केट पोजिशन। मतलब जो एम्बिशियस कंपनीज वो कुछ ऐसा करती है कि उनकी कैपेबिलिटीज के भी बाहर होता है, या यू कैन से मार्केट प्रपोजिशन मार्केट में नहीं होता, बट उनको क्या करना है एक डोमिनेंट पोजिशन क्रिएट करनी। लाइक क्या करा, क्विकली होस्टाइल मर्जर्स और एक्विजिशंस, जो छोटी कंपनीज हैं या मीडियम साइज कंपनीज उन सबको एक्वायर करके उनको तो खत्म करा, फिर बच गए 3 और 4 बड़ी कंपनीज, तो खाली उन बड़ी कंपनी से कॉम्पीट करना, छोटी कंपनी जितनी भी थी उनको सस्ते में उन्होंने खरीद लिया, तो उनका मार्केट बेस भी बढ़ गया, विच वॉज हैपन इन टेलीकॉम सेक्टर। एयरटेल एंड वोडाफोन वो क्या करता है, जो स्टेट में जो स्मॉल स्मॉल कंपनीज थी हर एक स्टेट के अंदर उनको परचेस करते गए। लाइक अर्लियर वी यूज टू हैव योर ओएसिस और ऑरेंज, वो सब कंपनी आज की तारीख में खत्म, वो सब क्या होते गए एक्विजिशन होते गए। क्राफ्टिंग ध्यान रखना, चैप्टर 2 में भी बताया था, वर्ड क्या आएगा हमेशा क्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग नहीं आएगा, क्रिएटिंग नहीं आएगा। तो क्राफ्टिंग स्ट्रेटेजी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड विजन, इंप्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एंड मॉनिटरिंग डेवलपमेंट इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस और मेकिंग करेक्टिव एक्शन। फ्रेंड्स नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब चालू होता है चैप्टर 4 यहां से। तो व्हाट आर द वेज टू डील विद स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी, मेक क्लस्टर, गिव देम इंपॉर्टेंस एंड देन वर्क अकॉर्डिंगली, सीनियरियो एनालिसिस, जो जो अनसर्टेनिटी हो सकती है हमने उसको एक्चुअल मान लिया और फिर उसके लिए कुछ प्लान बनाए, और फ्लेक्सिबिलिटी इन स्ट्रेटजी एंड ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड यहां से आपका चैप्टर एक्चुअली चालू होता है, क्या है टॉपिक, स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स। क्या है, अच्छा वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, जो वर्ड आया आपके पास स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स, इस वर्ड से क्या समझ में आया। देखो अल्टरनेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है,
वेरियस ऑप्शंस। तो अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। लाइक आपको एक्सपांशन में जाना है तो किस तरीके से जा सकते हैं, रिट्रेचमेंट में जाना है लाइक बिजनेस को बंद करना है, कम करना है, स्केल डाउन करना है तो कैसे कर सकते हैं, ये दोनों को एक साथ मिक्स करना है तो कैसे कर सकते हैं, कैसे फोकस करें। तो बहुत सारे तरीके होते हैं किसी काम को करने के, तो उसको क्या बोला, स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स। बेसिकली फ्रेंड्स हमारे पास पांच ब्रॉड कैटेगरीज दे रखी है आपको स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स के अंदर। द फर्स्ट वन गिवन टू यू इज ग्लॉक एंड जोश, जेनेरिक स्ट्रेटेजी। सेकंड आ गए हमारे वापस माइकल पोर्टर्स कॉम्पिटेटिव एडवांटेज स्ट्रेटेजी। थर्ड आती है ग्रांट और डायरेक्शनल। एक होगी आपके पास बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर और एक होगी रिलेटेड टू मर्जर्स एंड एक्विजिशन। फ्रेंड्स ये जो है ग्लॉक एंड जोश, जेनेरिक स्ट्रेटेजी ये और ग्रैंड स्ट्रेटेजी दोनों क्या है, सेम है। तो हम खाली एक ही जगह पढ़ेंगे ग्रैंड और डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी। इसके बाद ये जो है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर, ये भी अपन ने छोड़ा था एडीएन, वैसा ही है। आपको एक बॉक्स बना रखा है, पूरे दो पेज की टेबल है, कोई लॉजिक नहीं है, वो आपको रटना ही पड़ेगा या याद ही करना पड़ेगा, कुछ उसके अंदर ट्रिक्स में बताऊंगा। हाँ बाकी जो तीन बच रही है हमारे पास, माइकल पोर्टर्स एडवांटेज, ग्रैंड डायरेक्शनल और टाइप्स ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, और यही है इस चैप्टर के अंदर और कुछ भी नहीं है। तो पहले कौन सा आया अपने पास, ग्लॉक एंड जोश जेनेरिक स्ट्रेटेजी। तो क्या बोल दिया इसके अंदर, कंपनी क्या क्या कर सकती है। देखो कंपनीज के पास चार तरीके हैं, जहां है वहीं रहें, स्टेबल, एक्सपांशन, रिट्रेचमेंट और कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब जो प्रीवियस थ्री हैं, स्टेबिलिटी एक्सपांशन रिट्रेचमेंट में से किसी भी को भी आपस में कंबाइन करने का। देखो ग्लॉक एंड जोश जेनेरिक स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स, अभी नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, क्या दिया इन्होंने, फॉर जेनेरिक वेस, जेनेरिक मतलब इन जनरल, कोई स्पेसिफिक नहीं, या ओल्ड चले जो आ रहे, इन विच स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स कैन बी कंसिडर्ड। क्या क्या होता है, स्टेबिलिटी एक्सपांशन रिट्रेचमेंट एंड कॉम्बिनेशन, दिस ऑल हैव बीन डील्ड इन योर टॉपिक नंबर, जो डी वाला आ रहा है फोर्थ वाला, ग्रैंड स्ट्रेटेजी डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी, तो अपन वही डिटेल में देखेंगे। सेकंड आता है आपके पास माइकल पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स वी स्टडीड माइकल पोर्टर इन चैप्टर वन ऑल्सो। चैप्टर वन में क्या था, कॉम्पिटेटिव एनालिसिस। यहां पे क्या दिया इन भाई साहब ने, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। और एक और ध्यान रखना, अगर माइकल पोर्टर आता है 3 मार्क्स के अंदर, दिस विल बी द आंसर, क्योंकि 3 स्ट्रेटेजी दी उन्होंने। This question came in May 2013. मिनिस्टरों को ये समझाया था, मैं कंफ्यूजन हो जाए, ध्यान रखना क्वेश्चन कितने नंबर का आया है, 3 नंबर का आया है ना, तो 3 स्ट्रेटेजी 1 for each। अब देखो माइकल पोर्टर साहब ने करा क्या, इन्होंने क्या बोला, अगर आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लेना है, लाइक आपके कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है, तो आपके पास 3 अल्टरनेटिव्स है। क्या बोला, अगर आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लेने का है, अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है, तो आपके पास 3 तरीके हैं। पहला क्या बोला इन्होंने, कॉस्ट लीडरशिप। क्या करो, आप लो कॉस्ट गुड्स प्रोड्यूस करो। देखो इसके अंदर क्या करा इन्होंने,
कॉस्ट लीडरशिप, क्या करने क्या करा इसके अंदर, लो कॉस्ट प्रोडक्शन, क्या करा प्राइस सेंसिटिव कस्टमर को टारगेट करा। दूसरा इन भाई साहब ने बोला आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन। फ्रेंड्स डिफरेंशिएशन को लो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसका आप एग्जांपल लिख सकते हो एंड्रॉइड या गूगल। अभी आया गूगल वन मोबाइल फोन्स के अंदर, दैट इज अ रेफरेंस मॉडल, वो कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो उसमें क्या करा हमने, लो कॉस्ट गुड्स प्रोड्यूस करे। किसको टारगेट करा, प्राइस सेंसिटिव कस्टमर को। डिफरेंशिएशन, इसमें माइकल पोर्टर साहब ने क्या बोला, सर एक काम करो आप क्या करो, यूनिक फीचर इंट्रोड्यूस करो, और किसको टारगेट करो, प्राइस इनसेंसिटिव कस्टमर को। लाइक आपका प्रोडक्ट ऐसा बनाओ जिसमें कुछ यूनिक फीचर हो जो कि दूसरे प्रोडक्ट में नहीं हो, और किसको टारगेट करा, प्राइस इनसेंसिटिव कस्टमर को। यू कैन से एप्पल, इफ अ पर्सन इज यूजिंग एप्पल वो किसी और पे नहीं जाएगा, और जिसको एप्पल का फोन परचेस करना है का आईफोन, वो आईफोन ही परचेस करेगा, भले 40,000 का हो, 50 का हो, 60 का हो, 80 का हो। क्यों, क्योंकि सर देयर आर सर्टेन यूनिक फीचर विच आर नॉट अवेलेबल इन एनी अदर फोन। तीसरा भाई साहब ने क्या बोला, यू कैन गो फॉर फोकस। फोकस का होता है क्या करो, स्मॉल ग्रुप की रिक्वायरमेंट को फोकस करो। यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ ब्लैकबेरी और नोकिया। ब्लैकबेरी का फोकस कहां था, केवल कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स पे, कि जो कॉर्पोरेट पर्सनल है हमको उसी को यूज करना है। तभी ध्यान रखना ब्लैकबेरी की इमेज ऐसी बनी कि ब्लैकबेरी इज बीइंग यूज्ड बाय ओनली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और टॉप कॉर्पोरेट पर्सनल और बिजनेसमैन। या नोकिया 1100 मेड फॉर इंडिया, क्योंकि सर इट वॉज डेवलप फॉर अ यू कैन से योर डेली वेज अर्नर्स और पुअर पीपल। नोकिया 1100 इंडिया में आपको चार्जिंग का प्रॉब्लम है या उनको कहीं भी काम करना है तो धूल लगा, गिरा, टूटा फूटा, कोई झंझट नहीं। तो क्या करा उन्होंने, पर्टिकुलर स्मॉल ग्रुप की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करा। तो वॉट आर द जेनेरिक स्ट्रेटेजी, वॉट आर द जेनेरिक स्ट्रेटेजी और वॉट आर द स्ट्रेटेजी सजेस्टेड बाय माइकल पोर्टर टू टेक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। थ्री, कौन कौन से, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। क्लियर हुआ, एक बार चाहो तो उसको इस तरह से लिख लो, फिर हम लोग आगे कवर करते हैं। कॉपी फ्रेंड्स, अब देखो, अकॉर्डिंग टू पोर्टर स्ट्रेटेजीज अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू गेन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज फ्रॉम थ्री डिफरेंट बेसिस। कौन कौन सा है, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। कॉस्ट लीडरशिप के अंदर क्या हुआ, एम्फेसिस ऑन प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट एट अ वेरी लो कॉस्ट and for customers who are price sensitive. Differentiation, it is a strategy aimed at producing products and services considered unique, industry-wide and directed at customers who are relatively price insensitive. Focus means producing products and services that fulfill the needs of a small group of consumers. अब फ्रेंड्स अगर तीन नंबर में आता है तो यहां तक बहुत है, बट अगर पर्टिकुलर किसी एक पे फोकस होकर आ जाता है तो हमको इन तीनों को डिटेल में समझना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आज तक भी पूछा नहीं है। बट कॉस्ट लीडरशिप के अंदर रिस्क क्या है, डिफरेंशिएशन में रिस्क क्या है और फोकस में रिस्क क्या है, ये तीनों एक नया क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स व्हाट हैपेंड इन नवंबर 2014 एज एक्सपेक्टेड, आईटी वाज अ न्यू सिलेबस, तो आईटी का पेपर तो कंपैरेटिवली बहुत इजी आया, बट एसएम क्या हुआ, बहुत टफ। टफ मींस प्रैक्टिकल। देखो
ITSM का पेपर का लेवल ऑलमोस्ट सेम रहेगा, मई में अगेन वी हैव चेंजेस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो प्रॉब्लम क्या होगी? अगेन आईटी का पेपर डायरेक्ट, तो कहीं ना कहीं तो लेवल मेंटेन करेंगे, तो लेवल का मेंटेन हो जाएगा फिर एसएम में, तो हमको एसएम को पूरा ध्यान देने की जरूरत है। देखो कोस्ट लीडरशिप, कोस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी एम्फेसिस ऑन बीइंग अ कोस्ट लीडर बाय प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट एट अ वेरी लो कॉस्ट यूनिट फॉर कंज्यूमर्स हु आर प्राइस सेंसिटिव। अब देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, स्प्रेड टू एंटायर फर्म, हाई एफिशिएंसी, लो ओवरहेड, लिमिटेड पर्क्स, पर्क्स क्या होगा परक्विजिट्स, तो एम्प्लॉयज की सैलरी वगैरह भी क्या होगी बहुत लिमिटेड, क्योंकि हमको क्या रखनी कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम। इनटॉलरेंस टू वेस्ट, इंटेंसिव स्क्रीनिंग ऑफ बजट रिक्वायरमेंट, लाइक आपको कोई पैसा चाहिए तो क्यों चाहिए, पूरी स्क्रीनिंग करी ढंग सही ढंग से डिटेल में देखा, क्योंकि हमको बेफालतू का खर्चा नहीं कर सकते। रिस्क क्या हो गई, इमिटेशन ऑफ स्ट्रेटजी बाय कॉम्पिटिटर्स। अब यू समझो सैमसंग, उन्होंने बहुत कोशिश करके एक लो कॉस्ट फोन कैसे बनाया, उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई, एक दिन मैक्रोमैक्स वाले उठे कॉपी कर लिया ऐसे, तो आपने जो इतनी मेहनत करी लो कॉस्ट गुड्स प्रोड्यूस करने की, वो स्ट्रेटजी किसने, कॉम्पिटिटर ने कॉपी कर ली। ओवरऑल इंडस्ट्री के क्या हो गए, प्रॉफिट्स डाउन हो गए। टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू इन इंडस्ट्री मे मेक योर स्ट्रेटजी इनएफेक्टिव, नोकिया, उन्होंने क्या करा लो कॉस्ट गुड्स प्रोड्यूस करे, नोकिया आशा सीरीज किसको टारगेट कर रहे थे, प्राइस इन सेंसिटिव कस्टमर को 3000 4000 5000 वाला। बट क्या हुआ सर, देयर वॉज अ सडन चेंज, एंड्रॉइड आया और एकदम ऐसा फैला कि नोकिया की जो स्ट्रेटजी थी वो पूरी तरह से फेल हो गई। और लास्ट क्या हो गया, बायर्स इंटरेस्ट में स्विंग टू सम डिफरेंशिएटिंग फीचर आल्सो, जैसे 5000 लग रहे हैं, 8000 में अच्छा फोन मिल रहा है तो मैं 8000 वाला ले लूँ ना, 5000 का क्यों लूँ, तो एक लिमिट के बाद क्या होता है बायर्स का इंटरेस्ट भी फीचर की तरफ जाने लग गया। क्लियर एकदम। नेक्स्ट कौन से आई आपके पास, क्या क्या रिस्क की वापस कवर करते हैं। रिस्क इन परस्यूइंग द कोर्स लीडरशिप, इमिटेशन कॉपी, इमिटेशन बाय कॉम्पिटिटर्स, ओवरऑल इंडस्ट्री प्रॉफिट डाउन, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू मे मेक स्ट्रेटजी इनएफेक्टिव, और बायर्स इंटरेस्ट मे स्विंग टू सम डिफरेंशिएटिंग फीचर। रिक्वायरमेंट क्या होगी सर, सस्टेंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हाई ह्यूज कैपिटल चाहिए, इंजीनियरिंग स्किल्स चाहिए। डिफरेंशिएशन क्या आया, देखो प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कंसिडर्ड यूनिक इंडस्ट्री वाइड एंड डायरेक्टेड एट कस्टमर्स हु आर रिलेटिवली प्राइस इनसेंसिटिव। क्या बोला इसमें, यूनिक फीचर लेके आओ और किनको फोकस करा, उन कस्टमर्स को जो कि प्राइस इनसेंसिटिव है। इट अलाउज अ फर्म्स टू चार्ज अ हायर प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड टू गेन कस्टमर लॉयल्टी बिकॉज कंज्यूमर्स मे बिकम स्ट्रॉन्गली अटैच्ड टू द डिफरेंशिएटिंग फीचर। वही फीचर की वजह से क्या करता है, कंपनी को हायर प्राइस चार्ज करने में हेल्प करता है। लाइक देयर इज अ कंपनी इन यूएस, वो आपके बनाते म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बीट्स, उसका जो हेडफोन सेल होता है 450 यूएस डॉलर में, कितना 450 यूएस डॉलर, मल्टीप्लाइड बाय 60 करो तो यू विल गेट द इंडियन करेंसी में, कितना 450 × 60। जो हेडफोन 450 डॉलर में बिक रहा है उसको बनाने में कॉस्ट कितनी लगती है, $14। $14 का वो हेडफोन कंपनी कितने में सेल करती है, $450 में, कितना 250 गुना प्रॉफिट। क्यों, दैट द फीचर इज यूनिक इंडस्ट्री वाइड एंड दैट इज द गुडविल विच अलाउ दैट फर्म दैट कंपनी टू चार्ज सच ए ह्यूज प्रॉफिट्स। तो देखो इट अलाउ अ फर्म टू चार्ज अ हायर प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट, देखा कैसे $14 जिसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग रहा है वो सेल कितने में हो रहा है, $450 में। अ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी शुड बी परस्यूड ओनली आफ्टर केयरफुल स्टडी ऑफ बायर्स नीड्स। यूनियन हर कुछ बना दो और बोलो सर डिफरेंशिएट।